वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी स्वीट डिश जो बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है और बहुत ही फेमस है, वो है गुलाब जामुन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैं मिल्क पाउडर से बना रही हूँ, हमें मिल्क पाउडर चाहिए। हमारे पास नीडो है तो मैं नीडो यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी मिल्क पाउडर हो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए ये मैदा चाहिए 1 टेबल स्पून, और बेकिंग पाउडर चाहिए, हरी इलायची की पाउडर चाहिए, घी चाहिए और 1 एग चाहिए, और इसका डो बनाने में ये मिल्क चाहिए हमें, और शीरा के लिए शुगर चाहिए। हमारे पास ब्राउन शुगर है तो मैं ब्राउन यूज़ करी, आपके पास वाइट हो तो आप वाइट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शीरा बनाएंगे, शीरा बनाने के लिए रख देंगे। तो शीरे के लिए मैं ये इस कप से 2 कप वाटर डालूंगी, 2 कप वाटर डाल रही हूँ, और ये 1 कप शुगर है, ये हमारा 250 ग्राम शुगर है, ठीक है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। क्वार्टर टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे शीरे को हम होने के लिए रखेंगे। शीरा जब तक हमारा होता है हम इस गुलाब जामुन का डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, और इसमें मेजरमेंट कप से मैं ये कर रही हूँ, आपके पास जो कप हो आप उससे 1 कप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। ये मैंने 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया। और इसमें 1 टेबल स्पून मैदा चाहिए, मैदा चाहिए, ये 1 टेबल स्पून मैदा। हाफ टेबल स्पून लेवल, बिल्कुल लेवल बेकिंग पाउडर, ये हमारा बेकिंग पाउडर है, 1 मिनट, ये हमारा बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना, ये हाफ टीस्पून है बेकिंग पाउडर। ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट को मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी। ये 1/4 टीस्पून लेवल ये हरी इलायची की पाउडर, इसे हम मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून घी हम डालेंगे, 1 टेबल स्पून। हम इसको चेक कर लेते हैं, चेक कर लेंगे, इसको चलाते रहेंगे। अब हम अपने गुलाब जामुन की तरफ जाते हैं। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने रख दिया है। ये हमारा शीरा हो रहा है, हम डो बना लेते हैं। ये 1 एग को मैं मिक्स करके ऐसे 1 एग में डाल रही हूँ। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम हैंड से मिक्स करते हैं। 1 टेबल स्पून मैं मिल्क डाल रही हूँ, और डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट मिक्स करना है, गूंदना है इस डो को हमें बिल्कुल सॉफ्ट, ताकि हमारा गुलाब जामुन अच्छे से बने। टाइट हमारा डो बन जाएगा ना, तो डो ये गुलाब जामुन हमारे फटे फटे होंगे, तो ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे डो स्टिकी हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट डो हमारे बने। फ्रेंड्स, आप हमारा डो देखें, हमारे डो बिल्कुल सॉफ्ट हैं और ये स्टिक नहीं हो रहे हैं, इसके घी अब ये हो गए मेरे हैंड में लग रहे हैं इसके घी। और अब मैं इसके शेप बना देती हूँ, गोल गोल शेप बना देती हूँ। आपको जिस साइज़ की बनानी है आप बनाएं, आपको जितनी बड़ी साइज़ की, मीडियम साइज़ की भी, बड़े साइज़ की बनानी है आप बनाएं, मैं इस साइज़ की बना रही हूँ। ये देखें हमारे डो, इसमें शाइनिंग आ गई है और इसमें ज़रा भी क्रैक नहीं है, ये परफेक्ट है। इसी तरह हम
इसी तरह हम साड़े बना लेंगे। आपको मैं एक और दिखाती हूँ बनाकर। ये देखें हम, ये देखें इसमें शाइनिंग भी आ गई है। तो शाइनिंग है इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट है। ये आपके ऊपर है आप कौन से साइज़ का बनाते हैं। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। ये देखें हमारे 3 गुलाब जामुन रेडी हैं और इसी तरह हम साड़े बना लेंगे। हमारे शीरा हो गए हैं। अब हम इस गैस को बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पे करके रखते हैं। अब हम इसे, अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे सारे गुलाब जामुन बन गए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल हॉट हो गया है। अब मैं ये छोटा बॉल इसको डालकर चेक करती हूँ कि हमारा हुआ है या नहीं। अभी नहीं हुआ है, अभी हमारा ऑयल हॉट नहीं हुआ है। थोड़ा अभी कसर है इसमें। हॉट हो जाएगा तब हम अपने गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। ये ऊपर आ जाएगा तब। आप देखें ये ऊपर आ गया है। अब हमारा ऑयल हो गया है। देखें ये ऊपर आ गया है। अब हमारा ऑयल हो गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये एक मैंने डाला और ये सेकेंड मैंने इतने डाल दिए हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। मीडियम पे, मीडियम मैंने कर दिया है फ्लेम और हम अब इसे फ्राई करेंगे। ये होगा तो ऊपर आ जाएगा। आप देखें इसे, ये ऊपर खुद बखुद ऊपर आ रहा है और खुद बखुद ये टर्न हो रहा है। गुलाब जामुन हमारे खुद बखुद ये टर्न हो रहे हैं। ये मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। ये 3 से 4 मिनट में हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो जाएंगे। अब देखें, अब देखें ये खुद ये टर्न हो रहा है, खुद बखुद हो रहा है। ये देखें, ये देखें। और आपको जितना गोल्डन ब्राउन चाहिए आप इसको इसी तरह मीडियम फ्लेम पे कर लें। आप फ्रेंड्स हम इसे डुबोएंगे, ये ऊपर आता जाएगा। आप देखें हमारा काम है इसको डुबोना और ये ऊपर आता जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा कलर धीरे धीरे आ रहा है गोल्डन ब्राउन। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ये गुलाब जामुन का कलर आ रहा है। अभी भी परफेक्ट कलर नहीं आया है, थोड़ा और ब्राउन होगा तब हम इसे निकालेंगे। फ्रेंड्स आप देखें हमारा ये गुलाब जामुन का परफेक्ट कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल रहे हैं, निकाल कर अब हम शीरा में डालेंगे। अब हम इसे अपने गुलाब जामुन को शीरा में डालेंगे। मैंने शीरा में डाल दिया है और हमारा शीरा भी हो गया था। अब मैं इसे ढककर 10-15 मिनट के बाद इसे ओपन करूंगी और हमारा एक बैच और फ्राई हो रहा है। हमारे ये बचे हुए जो थे गुलाब जामुन मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं ठीक उसी तरह डाल दूंगी उसमें शीरा। हमारे ये सेकेंड बैच भी हो गए हैं। अब मैं इसे, इसको भी निकाल लेती हूँ। इसे भी मैंने निकाल लिया। अब मैं इसे भी शीरा में डाल रही हूँ और फिर मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। मैं इसे डिश आउट करूँगी। मैंने 15 मिनट गुलाब जामुन को शीरा में रखा था, उसके बाद मैंने डिश आउट कर लिया। आप गुलाब जामुन के साइज़ को देख सकते हैं। साइज़ शीरा में डालने से, शीरा में डालकर 15 मिनट छोड़ने से इसका साइज़ डबल हो गया है और इसे मैंने पिस्ता से गार्निश कर लिया है। ये लीजिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन बनकर तैयार है। वैसे तो गुलाब जामुन मिक्स मार्केट में मिलते हैं बट मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और बताइए आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दावती किचन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।